कोरोना महामारी COVID-19 को फैलने से रोकने हेतु शासन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के दृष्टिगत लोगों में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी व सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होटल रेस्टोरेंट में बैठा कर खाना खिलाने की अनुमति दी जाती है। ADM सिटी ने बताया कि रेस्टोरेंट व होटल के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं कुछ मात्रा में मास्क के साथ हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित होगी। संबंधित रेस्टोरेंट व होटल में हेल्प डेस्क पर रेस्टोरेंट में आने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कैनर से जांच, पल्स ऑक्सीमीटर की जांच तथा सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज करने एवं आगंतुक पंजिका में पंजीकरण के बाद ही होटल रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति दिया जाए। बिना मास्क प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिन व्यक्तियों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें रेस्टोरेंट और होटल के हेल्प डेस्क पर मास्क उपलब्ध कराना होगा। ADM सिटी ने बताया कि होटल रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर बिना मास्क के किसी व्यक्ति के पकड़े जाने पर व्यक्ति के साथ साथ संबंधित होटल रेस्टोरेंट पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। कॉमन डाइनिंग हॉल में सेंट्रलाइज्ड AC का प्रयोग वर्जित होगा। डाइनिंग हॉल में खिड़कियां एवं दरवाजे खुले रखे जाएंगे तथा एग्जॉस्ट फैन लगाकर दूषित हवा को बाहर किया जाएगा। ADM सिटी ने कहा कि भोजन परोसने वाले वेटर अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, बाल ढकने वाली टोपी का प्रयोग करेंगे। होटल में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त समस्त बर्तनों का पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा। प्रयुक्त बर्तन धोने वाला PPE किट का प्रयोग करेगा। प्रयुक्त डिस्पोजल प्लेट, गिलास, कटोरी को प्रयोग के बाद पूर्णतः नष्ट कराने की जिम्मेदारी होटल मालिक व मैनेजर की होगी। टॉयलेट एवं वॉशरूम में लिक्विड सोप एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, होटल रेस्टोरेंट के बारे में जो है, हाँ, बैठा के खाना खिलाने की अनुमति जो दी गई है, इसके संबंध में क्या कहना सर? होटल और रेस्टोरेंट के लिए संचालन के लिए गाइडलाइंस के अनुसार से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बिठाया जाना है और जितने भी लोग वहां पर एंटर करेंगे वो विद मास्क एंटर करेंगे और वहां पर एक हेल्प डेस्क रहेगी। रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, वहां पर हेल्प डेस्क पर उनको सैनिटाइज इनके हाथ किए जाएंगे। इसके बाद उनका थर्मो स्कैनर से चेकिंग की जाएगी टेम्परेचर की और इसके बाद ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाएगा। अगर वो सब नॉर्मल है तो फिर वो उसके होटल के या रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठेंगे और फिर उनको फूड सर्व किया जाएगा। उनकी जो भी यूटेंसिल्स या डिस्पोजेबल डिश यूज की जाएंगी वो सब सैनिटाइज की जाएंगी। ओनली अनयूज और यूज दोनों सैनिटाइज करके भोजन सप्लाई किया जाएगा और होटल को सुबह और शाम दोनों टाइम जब कस्टमर चले जाएंगे उसे सैनिटाइज किया जाएगा। और हेल्प डेस्क पे एक रजिस्टर भी रहेगा जिस पर जितने भी कस्टमर आएंगे वो अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह दर्ज करेंगे। कभी कोई कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात आती है तो उनको ट्रेस किया जा सके। सर, इसमें आपने ये लिखा है कि मतलब आदेश में कि AC का प्रयोग जो है कॉमन हॉल, हाँ, जो कॉमन हॉल, हाँ, वो तो चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है कि जो कॉमन हॉल है वहां पर एरिसॉल अगर किसी ने छींक दिया, कुछ खांस दिया, कुछ बोला तो जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं एरिसॉल वो बहुत ही मतलब इन्फेक्शस होती हैं, तो वहां पर ऐसे कॉमन हॉल में AC बैन है। सेंट्रलाइज AC के बारे में कहा गया सर? हाँ, सेंट्रलाइज AC बैन है। और सर, इसमें जो भोजन परोसने वाला इनके बारे में क्या कहा? हाँ, वो फुल्ली हाथों में ग्लव्स लगाए होगा, बालों पे कैप लगाए होगा और गॉगल लगाए होगा, मास्क लगाए होगा और पूरी तरह से वो मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके सबको सर्व करेगा, बिल्कुल फूड अनइंफेक्टेड फूड सप्लाई करेगा। सर, एक 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 बात आती है कि होटल रेस्टोरेंट्स के बारे में, जैसे संडे वो 24/7 खुले रहते थे हर दिन, तो क्या ऐसी भी कोई बात है कि संडे को भी नहीं? संडे को क्लोज रहेगा, संडे को तो लॉकडाउन है। जी जी, यूपी गवर्नमेंट का जो वर्किंग डेज है उसमें खुले रहेंगे, बाकी लॉकडाउन संडे को है तो रहेगा।